মাজত মাত্র কেটামান ঘণ্টা মাত্র এটা দিন অহা 22 জানুয়ারী প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব অযোধ্যার রাম মন্দিরৰ ইতিমধ্যে গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ চকু ঢাকি ৰখা কাপোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে ৰামলালাৰ এই মূৰ্তিটো শ্ৰীৰামৰ 5 বছৰীয়া এটি শিশু ৰূপ আৰু এই ৰূপ চাবলৈ এতিয়া অজস্ৰজনৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে পদুম ফুলৰ ওপৰত ৰামলালাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে ৰামলালাৰ মূৰ্তি দিয়া হৈছে সোণৰ ধনু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰামলালাৰ 51 ইঞ্চিৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত গৰ্ভগৃহত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু এনেদৰে প্ৰায় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মাজৰ যিহেতু মাত্ৰ এটা দিনহে বাকী আছে গতিকে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাম ভক্তৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে অযোধ্যালৈ জয়ৰাম শ্ৰী জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি এনেদৰে অজস্ৰ ভক্তৰ আগমন আৰু অযোধ্যাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ গীতাশ্ৰী আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত ক'ত উপস্থিত আছে আৰু অযোধ্যাত কি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত মই এই মুহূৰ্তত লতা মঙ্গেশকৰ চকত উপস্থিত আছো বীণাখন মোৰ পাছফালে দেখিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন বিশেষ যুৱক তেওঁ আহিছে ক'ৰ পৰা কিন্তু তেওঁ প্ৰথমে আমি দেখুৱাইছো তেওঁ স্কেট কৰি আহিছে আপ কাহাঁ চে আয়ে হে মই মুৰাদাবাদ চে মুৰাদাবাদ চে আপ স্কেট जी जी पूरा रास्ता पूरा रास्ता तो कितना टाइम लगा आप हमें आज पूरे एक हफ्ता हो गया 7 दिन हो गए जी तो आप नॉन स्टॉप आ रहे हैं कि कहीं ठहर रहे हैं नहीं हम रात को ठहरते थे मंदिर वगैरह मंदिर मंदिर में आप ठहर के फिर से अपना चालू करते थे जर्नी ये बताइए तो कितना टाइम लगता है थोड़ा मुरादाबाद से कितना किलोमीटर है मुरादाबाद से अयोध्या 500 किलोमीटर है पूरा जी 500 किलोमीटर आप ऐसे स्केट करके आए हैं मन में क्या है क्या चल रहा है अभी मन में मन में कुछ नहीं हम दर्शन करने आए थे श्री राम जी के लेकिन जहाँ पे वो पुलिस वाले पार्किंग के लिए कार वगैरह इधर उधर कर रहे हैं वहाँ पे हमसे पुलिस वालों ने बदतमीजी में बात की उन्होंने हमसे ये कहा कि थप्पड़ मार उन्होंने हमसे सीधे कुछ वार्निंग नहीं कुछ नहीं हमारे साइड में कार लगाई सीधे उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे थप्पड़ मार देंगे अच्छा तो आपकी थोड़ी नाराजगी है और मानते हो खुद ना हो ऐसे आरोपी ऊपर और अच्छा तो आप जब आप आए हैं यहाँ पे तो शायद कुछ बताया गया होगा पुलिस की तरफ से कि आपको दर्शन आपको कितने दिन तक आपको यहाँ पे रहना है अब तो हम दर्शन करके ही जाएंगे यहाँ से जितने दिन तक लगे जितने दिन लगे हमें 23 को खुलने वाला है 26 जी जी 24 को आप जी मतलब रहेंगे वैसे और कुछ ये डिफिकल्टीज आई है क्योंकि आप डिफिकल्टीज नहीं हमें प्रैक्टिस है मुझे 10 साल हो गए ये स्केटिंग करते करते घर के और कोई आया है या फिर आप नहीं मेरे भैया है बड़े भैया आए हैं जी और आप यहाँ बताइए तो आप तो कहाँ से है मैं अयोध्या से अयोध्या से अयोध्या से ही है आप तो आपको कैसा लग रहा है अभी अयोध्या बहुत अच्छा लग रहा है मैम बहुत अच्छा लग रहा है चौक के बारे में थोड़ा बताइए तो ये आजकल पूरा सेल्फी पॉइंट सब मीटिंग पॉइंट सभी ये चौक बना हुआ है सभी आते हैं हम मीडिया वाले भी यही आ रहे हैं तो सभी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं जी मैम चौक के बारे में थोड़ा बताइए ऐसे भजन बचता रहता है मैम ये लास्ट ईयर 1.5 साल हो गए इसकी ओपनिंग हुए ये लता मंगेशकर जी के नाम पे ही रखा हुआ था इन्होंने और ये अप्रोक्सीमेटली 2022 में इसका मतलब पूरा कंप्लीट हाँ पूरा कंप्लीट हो गया अभी सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यस ये मतलब बहुत ही बढ़िया पॉइंट ऑफ बना हुआ है पूरे आप लोकल है जी मैं आपको आपको क्या अब का नजारा कैसा है और पकड़िए 10 साल पहले 10 साल नहीं आप रिसेंटली मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा उससे पहले की नहीं बात करूंगा लास्ट ईयर से ही ये काफी मतलब एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था यहाँ लोग आना नहीं पसंद करते थे आज देखिए पूरा वर्ल्ड से या पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आना पसंद कर रहे हुए सभी लोग ये भी बता रहे हैं कि जैसे जैसे टूरिस्ट आएंगे जैसे जैसे श्रद्धालु आएंगे तभी बिजनेस भी बढ़ेगा सबका बिल्कुल बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले टाइम में मे बी ये इंटरनेशनल सिटीज को टक्कर दे सकता है बट ये है कि यहाँ पे काफी एक्सपोजर भी खुल जाएंगे यहाँ पे लाइक एज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया बिजनेस हो गया और होटल इंडस्ट्रीज भी हो गई छोटे छोटे मतलब जैसे ये रोजगार के ओपन हो जाएंगे बाकी तो और कोई है यहाँ पे अयोध्या से ही है कोई बाहर से कहाँ से हम आए पैदल आए राजस्थान से खाटू श्याम जी से कितना दिन लगा हमें 16 दिन कल हमारी यात्रा कम्प्लीट हुई है अच्छा
अभी दर्शन करके जाना है? हाँ नहीं, दर्शन हम कल करके आ चुके हैं और लेकिन हमें मंदिर में जाना है। मंदिर के दर्शन, मंदिर जब खुलेगा तब आप लोग निश्चित तौर पर जा चाहे जा सकेंगे। और ये आप कहाँ से? हम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ जी। तो आपको अभी कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए जी, 500 वर्ष बाद हमारे रामलला महल में पहुंच रहे हैं। बड़े सौभाग्य से ये शुभ अवसर आया है और इस शुभ अवसर पे दो लाइनें कहना चाहूंगा। पूरे भारत में मिलकर हम ये उत्सव मनाएंगे, महलों में पहुंच रहे प्रभु सियाराम जी, हम मिलकर दीप जलाएंगे, खिलाएंगे मिठाइयां। फिर से आपसे और तो बात फिर से करना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आप अयोध्या से हैं, या यहाँ 2022 में कुछ अलग ही एक सीन था, अभी कुछ और ही है, उससे पहले तो और भी कुछ था। तो अभी इसके बाद जब ओपनिंग हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो लाखों की तादाद में आएंगे? यस बिल्कुल, अभी आप नहीं, करोड़ों करोड़ों लाखों। तो पिछले साल रामनवमी पे हम यही थे, 35 लाख श्रद्धालु आए थे रामनवमी। बातें ऐसी हो कि जिसका मतलब जिसका एक वो निकले 1.5 लाख से अप्रोक्सीमेटली, गवर्नमेंट का जो अप्रोक्सीमेशन है वो 1.5 से 2 लाख लोग और अप्रोक्सीमेटली लास्ट के जो लास्ट ईयर होते थे उसमें तो लोग आना नहीं पसंद करते थे। आप ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मतलब एक बहुत ही गंदा एरिया होता था। ये राम की पैड़ी आप जो आज बढ़िया देख रही हुई है, यहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते थे। आज यहाँ पे लोग अपना अपना मतलब अब तो यहाँ पे लोग नहाना भी पसंद करते हैं, पिकनिक स्पॉट है ये। मतलब सामने ही है राम की पैड़ी कथा कैसे है, राम की पैड़ी एक बार हमी पता है जीत स्थानीय बाकिंदा मैं हे कार खुद ही। आपने राम की पैड़ की बात बताई, तो अभी तो यहाँ पे लाइट और साउंड शोज जी जी बिल्कुल, ये हर साल दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली को यहाँ पे दीपोत्सव का आयोजन होता है, जो कि हर साल ये रिकॉर्ड ही जो यही अपना ही रिकॉर्ड बनाता है, अपना ही रिकॉर्ड बनाता है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है ये। इसका ये बेस्ट ऑप्शन है। नहीं, जब दीपावली में यहाँ 1 करोड़ दीपक जलेंगे, अभी आप देखे ये अयोध्या ही नहीं पूरे देश में सिर्फ, और 22 जनवरी को ये छोटा सा कोई त्योहार नहीं, ये उत्सव है ये पूरे हिंदू सनातन का। 22 तारीख और जी आयोजन जय सिया राम ध्वनि और আচলতে কবলৈ গলে তেওঁ কোৱাৰ ধৰণে আচলতে স্থানীয় লোকৰ সৈতে আমি এইবাবে কথা পাতিবলৈ এইবাবে বেছি যত্ন কৰিছো, কিয়নো তেওঁলোকে এই স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে এই পৰিৱৰ্তনটো দেখিছে। অকণমান আৰু এগৰাকী চাইক্লিষ্ট আছে, আপ চাইকেল চলা কহাঁ কলকাতা কলকাতা ছে কিতনা দিন লগা নৌ তাৰিখ নিকালে নৌ তাৰিখ কো 12 দিন লগা 12 দিন 12 দিন সবী কেঁচা মহসুস বহুত আচ্ছা লাগ ৰা হে। श्री रामचंद्र के जन्मभूमि में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मन में कैसे आया कि साइकिल लेके निकलनी है? साइकिल लेके ही निकलनी है, तो मन में कैसे आया वो? ये तो मेरा एक साल पहले आया था। ठीक है, इसका एक पैर नहीं है, इसके मन में राम है, राम है, इसीलिए तो आगे आया। मेरा एक साल पहले जो सुना था जो राम मंदिर उसी दिन उद्घाटन होगा, तो हम सोच लिया था जो हम आएंगे उस दिन। तो मेरा 8 महीने के पहले मेरा पैर कटिंग हो गया, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन हो गया था मेरा पैर में, तो इस वजह से हम वो सपना तोड़ दिया था। तो एक महीने के पहले हमने सोचा जो हाँ ठीक है, तो हम अभी तो जिम कर रहे, साइकिल भी चल रहे, बाइक भी चल रहे, कोलकाता जो और गीता पाठ हो गया ना, एक लाख कंठे, तो उस दिन हम बाइक लेके गया था। तो हम सोच लिया ठीक है, तो हम ऐसा जो कर रहे हैं तो हम राम मंदिर में जा सकते हैं, ठीक है ना, तो हम सोच लिया हर हो गया। তেওঁ কৈছে তেওঁ এটা 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 বিশেষ তেওঁৰ সমস্যাত পৰি তেওঁ ভৰি এখন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু সেইখিনি কথাইও তেওঁক থমকি ৰোৱা নাই তেওঁ তাৰ পিছতো। আৰু আৰু ইয়াত কোনোবা শংখ লৈ আহিছে, ইয়াৰ দৃশ্য মোৰ পাছফালে দেখা গৈছে, কোনোবা শংখ লৈ আহিছে। চাওক, তেওঁ এখন ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ সেইধৰণে চাইকেল চলাই চাইকেল লৈ তেওঁ আগবাঢ়িছে। আৰু এয়াই পৰিৱেশ, অকণমান আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰিম, আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰিম। ৰশ্মিতা যদি শুনি আছে মোক, এই যিডোখৰ স্থান কোৱা হৈছে যে এই যিডোখৰ স্থান ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে, কিছু বছৰ পূৰ্বে ইয়াত এটা কদৰ্য ৰূপ আছিল বুলি কোনোবাই কৈছে, তেওঁ স্থানীয় নিবাসী বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। আৰু ইয়াত চাইকেল লৈ লৈ এই ধৰণে কোনোবাই লিখুৱাইছে, চাওক, সিরোহীৰ পৰা অযোধ্যালৈকে আহিছে তেওঁলোকৰ চাইকেলত 1200 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 1200 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে সিরোহীৰ পৰা চাইকেল চলাই ধৰণে আহিছে। এনেকুৱা বিভিন্নতা দল আমি লগ পাইছো বাটে পথে, আৰু তেওঁলোক সকলো অযোধ্যামুখী। এই মুহূৰ্তত এক কথাত কবলৈ গলে সকলো অযোধ্যামুখী, গোটেই দেশ অযোধ্যামুখী, আৰু এয়াই অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ। এয়া হৈছে বিনা চক বা
ইয়াত এই বিনাখন হাজু করে তোলা হয়েছিল প্রায় আজি এবছর মান পূর্বে আর খুব ধুনিয়া একটা পরিবেশ আর তার লগতে এই বিনা চকর যদি অকনমান আমি আগবাড়ি যাও সেই আগবাড়ি যত আমি যদি যাও সেয়া সেই অঞ্চলটি হয়েছে রাম কি পেরি, রাম কি পেরি যত কোয়া হয় যে প্রভু রামে তাত স্নান করেছিলেন আর সেয়াই এই বিশেষত্ব। এই যে আপনি অঞ্চলখিনি দেখিছে ইয়াত অকনমান ইয়াত রেলিংৰ ব্যবস্থা হয়েছে আর সেই রেলিংৰ পাৰে সিপাৰে তাত আছে সেই বিশেষ সৰজুৰ ঘাট, এয়াই হয়েছে সৰজু। আর এই সৰজুৰে ইয়াত পূর্ণিমার সময়সোয়াত বিশেষক প্রাত সময়খিনিত যদি কোনোবাই স্নান করে তেনেহলে তার একটা গুরুত্ব আছে। সব ভাল লগা একটা দৃশ্য রশ্মিতা, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকৰ এটা আধ্যাত্মিকতার একটা দৃশ্য। আর ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্রভুয়ে ইয়াত আহি স্নান করেছিল আর এই ধরনের উজ্বলি উঠিছে সৰজু নদীর ঘাট। এইখিনি সময়সোয়াত হয়তো আনকালে ইয়াত মানুষ একেবারে কম থাকিলেহেতেন, কিন্তু এয়া যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় ইয়াত মানুষ বহু গুণে বাড়িছে। ইয়াতে আমি কেতিয়াবা আমি টিভিত আমি ষ্টুডিওর পৰা হে আমি কথাখিনি কওঁ যে ইয়াত সৰজু ঘাটত চাকি জ্বলোৱা হয় রাম নবমীর সময়সোৱাত বা দীপাবলীর সময়সোৱাত। তেওঁলোকে কৈছে যে ছোটি দীপাবলীর সময়সোৱাত তেওঁলোকে ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলায় আর এই যে ঘাটবুর দেখিছে এয়া উজ্বলাই তোলা হয়, ইয়া সুন্দর কয় তাত লিখা আছে রাম কি পেরি, সেয়া রাম কি পেরি তাত লিখি থোৱা আছে আর এনেকৈ তাত পকীত লিখি থোৱা আছে বা কংক্রিটের তাত লিখি থোৱা আছে আর এয়াই হয়েছে সেই নদীর ঘাট। এই নদীর ঘাটেরে আহি ইয়াত যিসকল শ্রদ্ধালু তেওঁলোকে এই কেইটা দিন যথেষ্ট ভিড় করেছে। নিশ্চয় গতিকে এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তরপরা ভক্তপ্রাণ রাইজ আগমন ঘটিছে। আমি জাস্ট আপনাদের ধন্যবাদ জানাইছো এই সুন্দর মুহূর্ত আপনি দেখালে অযোধ্যারপরা। Yeah.